हेलो दोस्तों, नाशनी इलेक्ट्रिक टीच में आपका फिर से स्वागत है। सो कैसे आप सब, आशा करता हूं आप लोग अच्छे। फ्रेंड्स, जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, मेरे पास एक मूवी स्टार का टावर होम थिएटर दोस्तों रखा गया है। फ्रेंड्स, इसमें समस्या क्या है, कस्टमर का कहना हुआ कि दोस्तों ये जो है इसका बेस जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं, बट यहाँ पे दो सेटेलाइट स्पीकर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं 4 इंच की यहाँ पे जो है लगाया गया है, ये जो है दोस्तों हमारे जो है बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और फ्रेंड्स, कस्टमर का कहना ये भी हुआ है कि जब हम इसे बजाते हैं दोस्तों सिर्फ बेस ही बजता है, और कभी कभी दोस्तों यहाँ पे जो है ये हीट भी काफ़ी होता है और जो है हमिंग मतलब जो है देने लगता है। तो दोस्तों इसमें जो है काफ़ी सारा समस्या है, और यहाँ पे समस्या मेन बन रहे दोस्तों इसमें जो है दो सेटेलाइट स्पीकर की, जो हमारे जो है बिल्कुल भी नहीं बज रही है। दोस्तों इसमें ऐसा क्या समस्या आया है दोस्तों, आज के वीडियो में यही जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग को अच्छी तरह से समझाऊं और प्रैक्टिकल दोस्तों मैं इस होम थिएटर को ठीक करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो होगी आप लोग को जल्द देखने को मिले। चलिए दोस्तों टाइम को ना गवाएं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इस होम थिएटर में भी जो है सप्लाई रखा है, और दोस्तों कुछ देर पहले यहाँ पे जो है ये हमिंग भी मतलब आपको सुनाई दिया होगा, हम जब बोल रहे थे तो उस टाइम में जो है हमिंग आ रही थी, फिर अभी जो है बंद हो गया। दोस्तों इसी तरह जो है कभी कभी आ जाती है और कभी कभी जो है बंद भी हो जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें म्यूजिक प्ले करते हैं और देखते हैं चला के दोस्तों यहाँ पर कि क्या हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पर जो है फिर से हमिंग किया, तो यहाँ पर म्यूजिक प्ले करते हैं और देखते हैं ये बेस हमारा बज रहा है कि नहीं, और यहाँ पर जो है सेटेलाइट स्पीकर जो हमारा जो है ये बज रहा है कि या बंद है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है ब्लूटूथ से जो है मोबाइल को कनेक्ट किया है, अब यहाँ पे हम पहले रेडियो को जो है प्ले करते हैं, तो देख सकते हैं। तो बेस हमारा जो है दोस्तों वो जो है बिल्कुल सही बज रहा है, बट यहाँ पे सेटेलाइट स्पीकर से हमारे किसी तरह की कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ना ही दोस्तों यहाँ पर जो है आवाज़ आ रही है। यहाँ पर हमने जो है अभी प्रॉब्लम देखा दोस्तों, और जो प्रॉब्लम था आपने जो है देख लिया है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे जो है पीछे से दोस्तों यहाँ पे जो है कवर दिया गया है इसे खुलने के लिए, और इसी के अंदर दोस्तों हमारा जो है किट होगा, और यहाँ पे हम जो है इस तरह से टच करें दोस्तों तो ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये हीट भी है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रू को खोलते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले प्रॉब्लम जानेंगे, इसके बाद दोस्तों इसका सोल्यूशन भी प्रैक्टिकल करेंगे। तो वीडियो में बने रहें शुरू से लास्ट तक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सभी स्क्रू को खोल लिया है और सप्लाई हमने जो है कट किया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर हम कवर को खोल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने जो है कवर को खोल लिया है, तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम जानने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये प्ले टेक्निकल हिंदी नाम से दोस्तों ये यूट्यूब चैनल है, दोस्तों ये चैनल मेरा भाई का ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों इस चैनल पर आप जो है जरूर जाएँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है काफ़ी कुछ है रिपेयरिंग समेत सभी तरह की वीडियो आपको जो है देखने को मिलेगी। तो चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बताता हूँ किन किन कारणों से दोस्तों इस तरह की समस्या इस होम थिएटर में आ सकती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो पहला प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे दो स्पीकर दोस्तों 4 इंच लगाई गई है सेटेलाइट स्पीकर के रूप में दोस्तों, तो वो हमारे जैसे कि जम्पर कट जाए या दोस्तों उसका कॉइल जल जाता है दोस्तों, इसमें जो है आवाज़ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होती है और आवाज़ जो है काफ़ी अच्छा निकलता भी है, तो स्पीकर हमारे दोस्तों वो ख़राब हो जाती है। तो उस क्रम में भी दोस्तों वहाँ पे है ये समस्या आ सकती है। और दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 20-30 IC हमारा जो है यहाँ पे लगी होती है, यहाँ पे जो है बेस 50 भी यूज़ किया गया होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो यहाँ पे 20-50 लगाई गई है, और इस साइड हमारा जो है दोस्तों 20-30 यहाँ पे 20-30 जो है इस साइड हमारा जो है लगाई गई, तो बेस पर हमारा जो है 20-30 है, और यहाँ पे एडियो आउट पे दोस्तों यहाँ पे 20-50 लगाई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये दो IC अगर हमारा ख़राब हो जाते दोस्तों, तो इस तरह से हमारा जो है ये एडियो जो आउट नहीं देगा और हमारा जो है साउंड जो है दोस्तों वो नहीं मिलेगा। तो दो कारण दोस्तों ये हो गया, और तीसरा दोस्तों यहाँ पर आगे में जो है पोटेंशियो मीटर लगाया गया है, अगर वो भी हमारा ख़राब हो जाता तो वहाँ पर जो है इस तरह की समस्या आपको जो है मिल सकती है देखने को। तो इन्हीं में से दोस्तों कोई एक कारण हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है सेटेलाइट स्पीकर को चेक करना आता है, जो यहाँ पे आगे में 4 इंची की जो है लगाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे देख लेना है कि यहाँ पे सेटेलाइट स्पीकर का वायर यहाँ पे जो है कौन सा है, तो यहाँ पे आपको जो है देख लेना है कि यहाँ पे जो ऑडियो आउटपुट का जो IC है दोस्तों वो हमारी कौन सी है। तो यहाँ पे ये दो IC दोस्तों यहाँ पे है ऑडियो आउटपुट की है, तो इस यहाँ पे हमें 4 नंबर वाली जो आउटपुट दोस्तों होती है पिन, उस हमें लेग को जो है ट्रैक करनी है वो कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे हम जो है इस तरह से ट्रैक की है दोस्तों, ये जो है पिन इस जगह पे आ रही है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जैक जो है हमारा ये हमारा जो है एडियो आउट का जो है ये वायर है।
रेडियो आउट स्पीकर का दोस्तों ये हमारा जो है वायर है, सबसे पहले आप जो है इसे चेक कर लें स्पीकर है दोस्तों वो हमारा जो है सही है कि नहीं, तो इसके बाद ही हम कंफर्म होंगे दोस्तों इसका आईसी ख़राब है या क्या ख़राब है। तो यहाँ पे आपको मैं आईसी चेक करके बताऊँगा दोस्तों, और इसका तरीका बताऊँगा दोस्तों कि कैसे पता करें कि आईसी जो है ख़राब है या सही है, कौन सा आईसी गड़बड़ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका जो है स्पीकर हम चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं आप सुन सकते हैं पट पट का जो है ये आवाज़ आ रहा है, मतलब इसका जो है सेटेलाइट स्पीकर है दोस्तों वो पूरी तरह से सही है। अभी तो यहाँ पे हम कंफर्म हो गए दोस्तों कि स्पीकर हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे दोस्तों आईसी को, और आईसी को जो है आप कैसे पता कर सकते हैं कि आईसी हमारा जो है वो सही है कि नहीं। तो दोस्तों इसका दो तरीका है, या तो इसे मल्टीमीटर की मदद से चेक करें, और दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पे आप जो है आईसी को इस तरह से टच करके छू करके पता कर सकते हैं कि आईसी हमारा जो है सही है ख़राब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है मल्टीमीटर की मदद से यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए देखते हैं ये जो है कंटिन्यूटी जो है सही बता रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम जो है रीडिंग कम से कम दोस्तों यहाँ पर जो है 500-550 के आसपास हमें जो मिलनी चाहिए, जब भी जो है दोस्तों वो आईसी हमारा जो है वो सही होता है। अगर उससे कम हमारा जो रीडिंग आता है दोस्तों तो वो हमारा आईसी जो है शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हमें जो है किसी भी फ्रॉक को यहाँ पे हमें 4 नंबर पिन पे जो रेडियो आउट करता है दोस्तों उस वाले लेग पर हमें जो है इस फ्रॉक को जो है सटा लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो है 3 पे सटानी है, और यहाँ पर हमें जो है 5 पे सटानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर पिन पर सटाया तो 538 बता रहा है, और यहाँ पर हम जो है इसे 5 नंबर पे सटाया है दोस्तों 650 बता रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है दूसरा भी आईसी को चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी 532 बता रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे यहाँ 5 नंबर पर चेक करते हैं तो 649.50, मतलब यहाँ पे ये कहा नहीं जा सकता है फ्रेंड्स कि अगर आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये आईसी जो है कन्फर्म ये सही है या ख़राब है। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी सही आ रही है, बट यहाँ पे एक लेग जो है 5 नंबर पर जो है 1200 तक आती है वो हमारे जो है कम आ रही है, तो ये कंफर्म नहीं हो सकता है। मल्टीमीटर से आप जब भी जो आईसी को चेक करें दोस्तों ये आप जो है कभी पता नहीं कर सकते, क्योंकि आईसी में हमें जो है काफ़ी सारा कई तरह के फॉल्ट हो सकते हैं, यानी कि किसी किसी में होता है कि सरसराहट की आवाज़ आती है, किसी किसी में हमिंग बनती है फ्रेंड्स, और किसी किसी में ठनका जिस तरह से ठनकता है उस तरह की आती है, और किसी किसी में फ्रेंड्स आवाज़ है साफ गुम हो जाती है। तो कई इसका जो है सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में आप जो है मल्टीमीटर से नहीं पता कर सकते। दूसरा तरीका आपको जो है यहाँ पे आपको जो है होम थिएटर में सप्लाई देनी है, और सप्लाई देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आईसी को इस तरह से टच करें कि आईसी हमारा जो है कोई आईसी दोस्तों यहाँ पे रेडियो आउट कर रहा है, कोई ओवर हीट तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम टच कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो एक फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आईसी दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी सारा जो है, मतलब एक आईसी हमारा जो है ये बहुत ज़्यादा जो है हीट हो रहा है, ये वाली आईसी, और ये यहाँ पर हम टच कर रहे हैं तो ये ठीक है, ये मतलब यहाँ पे जो है ये हीट नहीं हो रही, और दूसरा पे हम टच करते हैं तो यहाँ पर जो है ये आईसी हमारा जो है हीट हो रही है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है ये सेटेलाइट स्पीकर नहीं बज रहा था दोस्तों, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब एक आईसी हमारा शॉर्ट हो तो दूसरा आईसी भी हमें जो है शॉर्ट हो सकता है, तो वो आईसी हमारा जो काम नहीं करेगा दोस्तों, तो हमारा जो है स्पीकर जो है आउट नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे आईसी आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे जो दिया गया दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से माइनस लिया गया है, और ये जो लेग है दोस्तों यहाँ से जो है प्लस लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडेंसर मार के यहाँ पे माइनस वाला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ माइनस से प्लस यहाँ पे जो है कंडेंसर मार के दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों ये तो डायरेक्ट यहाँ पे है ग्राउंड दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आईसी को यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे इस वाले आईसी को हम निकालते हैं और देखते हैं दोस्तों ये शॉर्टिंग जो है ये शॉर्ट मतलब ठीक हुआ कि नहीं। तो कभी कभी दोस्तों सीरीज बल्ब ही ग्लो करने लगता है, और कभी कभी जो है ठीक रहता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस आईसी को बाहर निकालते हैं, इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि दूसरा आईसी यहाँ पे हम 20-30 लगाएंगे, 20-50 मेरे पास अभी नहीं है, और ओरिजिनल आईसी यहाँ पे हम 20-30 डालेंगे। और ओरिजिनल आईसी और डुप्लीकेट आईसी किस तरह का होता है मैं अभी आपको जो है लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम आईसी को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है सोल्डरिंग को तो यहाँ पे हमने जो है हटा लिया है, अभी मैं यहाँ पे आईसी निकाल रहा हूँ और देखता हूँ दोस्तों ये आईसी की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस आईसी की हालत दोस्तों, तो ये पूरी तरह से दोस्तों देखने से बिल्कुल सही है, इसे हम नहीं कर सकते दोस्तों ये आईसी ख़राब है, और मल्टीमीटर से चेक करने पर भी ये सही बता रहा है। तो आईसी जो है हम कभी भी मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते कि कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि वो आईसी हमारा जो है सही है या नहीं है। कभी कभी सिचुएशन में हमारा जो है कभी रीडिंग जो है कम बता देता है, तो उसे हम अनुभव कर सकते हैं दोस्तों कि हम जो है आईसी को ख़राब मान लेते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अभी मैं यहाँ पे सप्लाई देके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे हमने जो है 20-50 जो ऐसी निकाला दोस्तों, ये तो कन्फर्म है कि एक डेड है क्योंकि ये काफ़ी हीट हो रहा था। दूसरा यहाँ पे आप जो है 20-50 एक और है जो कि एडियो पर लगाया गया है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों ऐसी को निकाल के और यहाँ पे हम सिर्फ जो है तो यहाँ पे हम एक 20-30 नहीं लगाएंगे, दोनों को दोनों चेंज कर देते हैं और दोस्तों यहाँ पे हम 20-30 ही लगा देते हैं और अच्छी क्वालिटी की और ओरिजिनल यहाँ पे हम लगाएंगे क्योंकि दोस्तों 20-50 का वाटेज हमारा जो है क्षमता सहने का ज़्यादा होता है और 20-30 का जो है थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो है अच्छी क्वालिटी के हम लगाएंगे दोस्तों ताकि वो अच्छी जो है वो चल सके। किसी में आपको जो है किसी होम थिएटर में दोस्तों 20-50 आपको जो है बेस पर नज़र आएगी और किसी में दोस्तों यहाँ पे जो है रेडियो 8 पर भी नज़र आ सकती है सेटेलाइट स्पीकर पे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप हम इस आईसी को भी निकाल के और यहाँ पे हम दोस्तों क्या करते हैं कि 20-30 आईसी यहाँ पर हम लाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है दोनों आईसी को निकाला है। अभी मैं यहाँ पर दोस्तों डुप्लीकेट आईसी लेकर आया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिखा गया है D20-30A मतलब ट्रायंगल का दोस्तों यहाँ पर जो है ये है और ट्रायंगल का होते हुए दोस्तों ये जो है डुप्लीकेट है। अब यहाँ पे हम किस तरह से पता करेंगे दोस्तों कि ये डुप्लीकेट है, तो यहाँ पर आप देख लें इसकी बनावट। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है ओरिजिनल आईसी लिया है, तो अभी दोनों का बनावट आप देख सकते हैं दोस्तों इसका किस तरह से, ये ओरिजिनल वाला है ट्रायंगल का और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी ट्रायंगल लिखा गया है और यहाँ पे D20-30 लिखा गया और यहाँ पर भी देख सकते हैं D20-30 ट्रायंगल का यहाँ पे जो है सिंबल दिया गया था। अब दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों कि कौन सा हमारा है ओरिजिनल और कौन सा डुप्लीकेट। तो इसको आप पकड़ने का एक ही तरीका है दोस्तों कि इसकी बनावट देखें, इसकी किस तरह से जो है कर्व दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है और इसकी आप देख सकते हैं इस दिशा जो है बना दिया गया है। तो इसमें इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट का। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ओरिजिनल वाला यहाँ पे जो है इस आईसी को हम लगाएंगे और दोनों जो है यहाँ पे 20-30 डाल दें। यहाँ पे जब आईसी को इंस्टॉल करें दोस्तों इस किट में दोस्तों, तो यहाँ पे जो है एक हीटसिंक पेस्ट जो है दोनों पे जो है थोड़ा थोड़ा सा जरूर लगाएं ताकि जब ये आईसी हमारा जो हीट हो दोस्तों, जब लोड पड़ने पर दोस्तों ये हीट हो, तो यहाँ पे हीटसिंक लगाया गया है दोस्तों, हीटसिंक प्लेट वो हमारा जो है जल्द से जो है कैचअप करे दोस्तों। तो हीटसिंक पेट्स लगा कर ही दोस्तों यहाँ पे जो है आईसी को इंस्टॉल करें। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं दोस्तों और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम आपको जो है चेक करा के दिखाते हैं दोस्तों ये जो हमारा जो है ये बज रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक आईसी दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से एक ही आईसी शॉर्ट था और एक आईसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे दोनों जो है शॉर्ट हो चुका था, शॉर्ट बता रहा था और यहाँ पे जो है स्पीकर दोस्तों वहाँ पे जो है काम नहीं कर रहा। यहाँ पे जो हमने आईसी जो है दोनों लगा के अच्छी तरह से रेडी कर लिया। अभी यहाँ पे हमारे चेक की बात है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे जो है ये स्पीकर जो है ये आउटपुट निकाल रहा है, मतलब आवाज़ जो है ये निकाल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सप्लाई दे रहे हैं और देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो दोनों स्पीकर दोस्तों वो आवाज़ है ये निकालने लगा है, आपको मैं सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आपने जो है सुना यहाँ पे जो दो सैटेलाइट स्पीकर था वो हमारा पूरी तरह जो है ये बजने लगा है, मतलब इसका समस्या दोस्तों यहाँ पे 20-30 आईसी से था जिस वजह से दोस्तों ये जो है बंद हो पड़ा था। तो दोस्तों इस तरह की समस्या अगर आती है दोस्तों तो इसी तरह से अभी आपको फॉल्ट को ट्रैक करनी है और चेक करनी है दोस्तों क्या समस्या है, इसके बाद दोस्तों इसे जो है आप रिपेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आप लोग को जल्द देखने को। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फॉल्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।